इससे पहले हमने आपको मिलवाया था हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर निशिकांत झा सर से। अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे फिल्म की एक्ट्रेस है जिसका नाम है शिवांगी शाही। ये अभी हमारे फिल्म में जो मेरा हीरो था उसकी लविंग ब्रदर बनी है, तो आइए उससे मिलाता हूँ, शिवांगी शाही से। हाय, हेलो। मेरा नाम शिवांगी है और मैं इस आवारावलम में जो कल्लू जी हैं उनकी प्यारी बहना का रोल कर रही हूँ। मुझे इस फिल्म से प्रोड्यूसर सर जो है हमारे बहुत अच्छे हैं और डायरेक्टर सर भी, दोनों मुझे अपनी बच्ची जैसी मानते हैं और डायरेक्टर सर तो मुझे बेटा ही बोलते हैं हमेशा। तो मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ काम करके। और लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या भोजपुरी अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है भोजपुरी में और जिस तरह से इन लोगों ने मुझे ट्रीट किया, मेरा एक कैरेक्टर है इसमें बहन का ही, बट फिर भी इन लोगों ने मुझे ऐसे जैसे मैं एक लीड एक्ट्रेस को ट्रीट करते हैं वैसे ही इन्होंने ट्रीट किया। मुझे कोई भेदभाव नहीं रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके। मैं हमेशा बस यही बोलूंगी कि इनकी जो भी फिल्म रहे सर हमेशा मुझे अपनी फिल्म में एक रोल दे, मैं इनके साथ हमेशा काम करना चाहूंगी बस। शिवांगी, कभी ऐसा लगा जब तुम पहली बार मिलने आई थी, अमूमन होता है कि नए डायरेक्टर से लोग मिलने बट जाना नहीं चाहते कि अरे यार पता नहीं कैसा होगा, मैं जानता नहीं, कहीं से कोई रेफरेंस नहीं मिलता, बट तुम आई या हमारे सेट पर रही शूटिंग की, तो तुमको कभी भी 1% ऐसा लगा कि हम गलत जगह हैं शूटिंग करने या फिर पता नहीं कैसी भोजपुरी फिल्में? तुम्हारी क्या पहले की अवधारणा रही थी कि फिल्म कैसी बनती है भोजपुरी में? जहाँ तक मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं भोजपुरी की फिल्में अच्छे नहीं होती, पेमेंट रुक जाता है या ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता, तो जब मैं फर्स्ट डे सर से मिली थी ऑफिस में तो ये 1% आया था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, मैं कैसे आगे काम करूँगी, लेकिन जैसे जैसे शूट शुरू हुआ एकदम फैमिलियर, मतलब एकदम फैमिली वाला रिश्ता जैसे होता है फैमिली, वैसे मुझे ट्रीट किया गया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर हूँ या किसी, या मुझे अकेली हूँ कहीं, मैं शूट पे हूँ कहाँ हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। एक अपनापन होता है, मुझे वैसा इन लोगों ने अपनापन दिया, बेटी की तरह रखा और एक फैमिली वाला जो होता है वो रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके। प्रोड्यूसर सर, डायरेक्टर सर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, एकदम अपनेपन जैसा बिहेव किया इन लोगों ने। पूरी शूटिंग रही फिल्म में जी, तो तुमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड सीक्वेंस कौन सा लगा कि हाँ कुछ मनाया कर रहे हैं, क्या अच्छा लगा तुमको फिल्म में? एक्चुअली फिल्म पूरी अच्छी है, फिल्म की स्टोरी भी सब अच्छी है, सारे सीन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, पर वो जो कोयल जो है मेरी फ्रेंड जो कि तनुश्री कर रही है लीड रोल, उनके साथ जो मेरे सीन्स होते हैं छेड़छाड़ वाला, भैया को लेके छेड़छाड़ करना चिढ़ाना, मुझे वो सीक्वेंस बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि पूरी फिल्म में होना चाहिए कि मैं हमेशा कोयल को छेड़ती रहूँ चिढ़ाती रहूँ। बाकी फिल्म ओवर एंड ऑल पूरी स्टोरी बहुत अच्छी है और सारे सीन्स बहुत मज़ेदार है। अभी और भी हम लोग प्लान कर रहे हैं फिल्म में, तुम्हारी ऐसी कुछ कैरेक्टर्स जो तुम करना चाहती हो प्ले, शायद नेक्स्ट फिल्म मैं करूँ तो तुम्हारे लिए वैसा कुछ कैरेक्टर नहीं थी, तो ऐसा कुछ है दिल में कि क्या कुछ कर सकते हैं नया, कुछ करना चाहिए? हाँ, मैं ऐसा मैंने सपना देखा है कि भोजपुरी में कभी मुझे लेके फिल्म बनाई जाए जिसमें मेरा कैरेक्टर हो एकदम जो शेरनी लड़की होती है ना, ना किसी से डरना, एकदम फाइटिंग करना जैसे मर्दानी रानी मुखर्जी की। मैं चाहती हूँ कि मुझे लेके कोई वैसे फिल्म बनाए भोजपुरी में, मुझे लीड एक्ट्रेस लेके और मेरा मर्दानी में जो रानी मुखर्जी का कैरेक्टर था वैसा कैरेक्टर मेरा हो, मैं वैसा कैरेक्टर निभाऊँ, मुझे बहुत शौक है वो कैरेक्टर करने का। थैंक यू। एक्चुअली ये है भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस और मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर मुझे मौका मिला ऐसी फिल्म बनाने का तो मैं ज़रूर तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी फिल्म मैं तुम्हारे लिए ज़रूर प्लान करूँगा। थैंक यू सर। प्लैनेट भोजपुरी।